जय माता की भाइयों बहनों, आप अपनी बेटी की शादी तय कर दी आपने और शादी करने जा रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी बेटी की। तो हर बेटी अपने माँ बाप के लिए लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी माना भी गया है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कन्या जो है वो लक्ष्मी है, तो हमारे घर में ही लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन जब हम बेटी को विदा करते हैं तो ऐसा ना हो कि लक्ष्मी रूपी जो हमारी बेटी है उसके जाने के बाद हमारे घर में दरिद्रता फैल जाए। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आज मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। करना क्या है आपको, जब आपकी बेटी की शादी हो रही हो और उसके बाद जब विदाई का समय आए, तो विदाई से पहले आप एक काम कीजिए, एक पात्र में हल्दी घोलिए। एक पात्र मतलब एक बर्तन, एक थाली में आप हल्दी घोल लें और एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए। उसमें आपको क्या करना है कि उस घुली हुई हल्दी में अपनी बेटी के दोनों हाथ के थापे लीजिए। दोनों हाथ कहिए कि उस थाली में डालें और थापा लें। लेने के बाद उस सफ़ेद कपड़े पे दोनों हाथों का थापा ले लीजिए और थापा लेने के बाद जिसे कहते हैं छाप लेना, लेकर के फिर आप उस कपड़े को आप अपने घर में अपनी अलमारी में या धन स्थान में जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, कुछ रखते हैं, ऐसा स्थान हो वहाँ पे आप रख लीजिए। हमेशा के लिए उसको फोल्ड करके रख लीजिए। ऐसा करने से जरूर ही आपके यहाँ जो है लक्ष्मी का की कृपा बनी रहेगी, दरिद्रता नहीं आएगी। बेटी के जाने के बाद भी आपको कमी, किसी भी धन ऐश्वर्य पैसे की और रुपये की कमी महसूस नहीं होगी। ये उपाय करने से हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में बरकत होती है। तो ये उपाय आप जरूर से जरूर कीजिएगा। शादी होने से, विदा होने से पहले आपको ये उपाय कर लेना है ताकि आपके यहाँ हमेशा उसकी कृपा रहे। जय माता की।